सभी सब्जियों में केवल एक ही सब्जी ऐसी है जिसे लेकर ये पूछा जाता है कि तुम किस खेत की मूली हो। मूली तो मूली है, उसका खेत से क्या लेना देना। लेकिन जनाब जरा ठहरिए, आपकी सेहत पर मूली के खेत से नहीं बल्कि उसे इस्तेमाल करने के तरीके से जरूर फर्क पड़ सकता है। हो सकता है मूली खाने के बाद आपका पूरा दिन खराब हो जाए या फिर कोई दूसरी समस्या पैदा हो जाए। हमारे इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा क्योंकि आज हम आपको हेल्दी और सेफ तरीके से मूली खाने के बारे में बताने जा रहे हैं। हमें यकीन है इसके पॉजिटिव रिजल्ट देखकर आपके दोस्त आपसे जरूर पूछेंगे कि भाई ये किस खेत की मूली थी। मूली आमतौर पर सलाद में खाया जाने वाला एक खाद्य पदार्थ है। इसके अलावा हम मूली के पराठे भी मजे से खाते हैं जो हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होता है। मूली में आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन सी, कैल्शियम, एंथोकाइनिन जैसे हेल्दी एलिमेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा मूली में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल क्वालिटी होती है। इनमें हमें डायबिटीज, मुंह, पेट, किडनी और कैंसर जैसी समस्याओं में भी फायदा मिलता है। लेकिन इतनी पौष्टिक होने के बाद भी मूली को अगर गलत तरीके से यूज किया जाए तो हमें नुकसान हो सकता है। मूली को इस्तेमाल करने का सबसे सही समय ठंडी का होता है। जब सर्दियों के मौसम में मूली खाई जाती है वो हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद होती है। मूली आपको खाने में ठंडी लग सकती है लेकिन इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए सबसे ज्यादा सर्दियों के समय ही मूली बाजार में नजर आती है। लेकिन मूली को धूप के वक्त दिन में ही खाना सही होता है क्योंकि रात में इसकी तासीर बदल कर ठंडी हो जाती है। रात में मूली खाने से आपको सर्दी खांसी की भी समस्या हो सकती है। किडनी की समस्या, हमारे शरीर में मौजूद किडनी अगर खराब होने लगे, उसमें स्टोन की समस्या आ जाए तो सिचुएशन बहुत ही खराब हो जाती है और हमारे रोजमर्रा के काम रुक जाते हैं। उस समय मूली के पत्तों का रस बहुत फायदेमंद होता है। मूली के पत्तों के रस को निकाल कर एक बॉटल में भर लें और उसे दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। इससे किडनी में मौजूद स्टोन शरीर से बाहर निकल जाता है। इसके अलावा हमारे शरीर में किडनी टॉक्सिक लिक्विड को बाहर निकालती है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है। अगर किडनी अपना काम करना बंद कर दे तो समस्या पैदा होती है। ऐसी सिचुएशन में मूली का अर्क भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। सर्दी, जुकाम और एसिडिटी, अगर आपको सर्दी जुकाम हुआ है तो इस सिचुएशन में आप मूली का रस ले सकते हैं। मूली के जूस की मात्रा 20 से 30 मिलीलीटर होनी चाहिए। इससे आपको सर्दी जुकाम में फायदा मिलेगा। अगर आपको लंबे समय से एसिडिटी है तो आप कच्ची मूली का सेवन कर सकते हैं। इसे कच्चा खा सकते हैं तो आपको एसिडिटी में फायदा मिलेगा। पीलिया में फायदेमंद मूली, पीलिया की बीमारी में मूली बहुत ही फायदा करती है और इस समय इसे दूध के साथ लेना भी फायदेमंद होता है। लेकिन मूली के बजाय मूली के पत्तों का पेस्ट बनाकर उसे दूध में उबालना चाहिए और जब इसका झाग ऊपर आ जाए तो उसे पीना चाहिए। इससे पीलिया में फायदा होता है। वात से उत्पन्न खांसी, अगर हमें लंबे समय से वात दोष के कारण खांसी आ रही है तो इस कंडीशन में हमें मूली काफी ज्यादा फायदा पहुँचाती है। इसके लिए हमें मूली को छांव में रखकर सुखाना है और सुखाने के बाद उसका पाउडर बना लेना है। इस पाउडर का रोज 1 ग्राम सेवन करने से वात दोष से पैदा हुई खांसी खत्म हो जाती है। एनीमिया और मूली, खून की कमी हमारे शरीर में कमजोरी ला सकती है, दूसरी कई समस्याएं पैदा कर सकती है। ऐसी सिचुएशन में मूली के पत्तों का रस काफी फायदेमंद होता है। मूली के पत्तों का रस निकाल कर उसे 20-20 ml दिन में 3 बार लेने से एनीमिया की समस्या दूर होती है। पाचन की क्रिया के लिए मूली काफी फायदेमंद है। लंबे समय से जिन्हें कब्ज रहता है वो मूली के सेवन से दूर हो जाता है। जो लोग मूली का सेवन करते हैं अगर उन्हें बवासीर है तो वो भी दूर हो जाता है। आयुर्वेद में भी मूली के सेवन की सलाह दी जाती है। हमारी आंतों की सफाई के लिए मूली से बेहतर कुछ नहीं है। मोटापे की समस्या के लिए मूली काफी फायदेमंद है। अगर इसके रस को बालों पर लगाया जाए तो ये हमारे बालों को भी काफी फायदा पहुंचाती है। खीरा और मूली, खाने के साथ हम जो सलाद लेते हैं उसके बेसिक कंटेंट प्याज, मूली, टमाटर, गाजर और खीरा होता है। वैसे तो सलाद और भी कई प्रकार के हो सकते हैं लेकिन हर जगह ज्यादातर यही बेसिक कंटेंट सलाद में दिखाई देते हैं। इनमें से खीरे और मूली को एक साथ खाना हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि खीरे में एक स्कॉर्बिनाज नाम का एक ऐसा तत्व होता है जो विटामिन सी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ऐसी कंडीशन में अगर हम खीरे और मूली को एक साथ खाते हैं तो इससे हमें तकलीफ हो सकती है, शरीर में कई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। दूध और मूली, भाई अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बेवकूफ हूँ और दूध और मूली जैसा ऑड कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ तो ऐसा सोचने से पहले मूली के पराठे के बारे में जरूर सोच लेना। मूली के पराठे तो सभी को पसंद होते हैं लेकिन इन पराठों के साथ अगर कोई दूध पी ले तो उसे पेट संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा अगर इस कॉम्बिनेशन को लंबे समय तक यूज किया जाए, यानी कि आपके रूटीन फूड में दूध के साथ मूली के पराठे आ जाए,
तो आपको स्किन डिजीज हो सकती है। हो सकता है आपके चेहरे पर या फिर आपकी बॉडी पर सफेद दाग आ जाए, आपकी खूबसूरती बिना फेयर एंड लवली लगाए ही परमानेंट व्हाइट हो जाए। यार आदमी हो या औरत, खास तौर से लड़कियां, गोरापन तो हर कोई चाहता है, मगर ऐसा गोरापन भी नहीं चाहता कि उनके आगे सफेद दाग भी शर्मा जाए। इसलिए दोस्त, अगर हेल्थ और खूबसूरती को बरकरार रखना है तो दूध और मूली का कॉम्बिनेशन कभी नहीं लेना चाहिए, संतरा और मूली। हालांकि ये भी काफी कम देखने में आता है कि कोई संतरा और मूली एक साथ खाए, लेकिन फिर भी इस बात की जानकारी होना जरूरी है कि संतरे और मूली का कॉम्बिनेशन एक डेडली कॉम्बिनेशन है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अगर आपने संतरा खाया है तो कम से कम 10 घंटे बाद ही मूली का सेवन करें, यानी कि संतरे के पच जाने के बाद आपको मूली खानी चाहिए। सुबह का खाली पेट सलाद, वैसे तो ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ताजा ताजा मूली देखकर हमारा मन उसे खाने को हो जाता है और हम सुबह सुबह खाली पेट मूली खा लेते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि हम सलाद के तौर पर ब्रेकफास्ट में उसे यूज कर लें। मूली में आयरन भरपूर मात्रा में होता है, ऐसी सिचुएशन में खाली पेट आयरन हमारे लिए पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। तो दोस्तों, सुबह खाली पेट या फिर ब्रेकफास्ट में सलाद के तौर पर मूली खाने से पहले दो बार जरूर सोच लेना। अगर घर में करेले की सब्जी बनी है तो फिर सलाद में मूली खाना हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नेचर वाले फूड आइटम्स हैं, जो अगर एक साथ मिल जाएं तो हमें सांस संबंधी समस्या पैदा हो सकती है, हमें दिल की भी समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए करेले और मूली का कॉम्बिनेशन हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है। दूध और मखाना। मखाना एक पौष्टिक फूड आइटम है जिसमें आयरन, पोटेशियम और मिनरल्स काफी मात्रा में होते हैं। कुछ लोग मखाने की खीर भी खाते हैं। इसके अलावा दूसरे कई ऐसे व्यंजन भी बनते हैं जिनमें मखाना काफी मात्रा में डाला जाता है। ऐसी स्थिति में अगर आप इसके साथ मूली का सेवन करते हैं तो ये भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि मखाने में भी आयरन, पोटेशियम और मिनरल्स होते हैं और मूली में भी आयरन होता है, तब आपको पाचन संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए बेहतर है कि हम मखाने और मूली का एक साथ सेवन करने से बचें। अब मुझे यकीन है कि आप मूली के साथ हार्मफुल कॉम्बिनेशन को यूज करने से जरूर बचेंगे। हमारे लिए मूली का सेवन काफी फायदेमंद है अगर हम उसे सही तरीके से और सही समय पर इस्तेमाल करें। तो अगर गलत तरीके से मूली को यूज किया तो उसका नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है, लेने के देने पड़ सकते हैं। मूली सिर के दर्द में भी काफी फायदेमंद होती है। सर्दियों का मौसम है, इस समय धूप में ताजी ताजी मूली का सेवन काफी फायदेमंद होता है। हमारे साथ आप अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आपने मूली के किसी डेंजरस कॉम्बिनेशन को यूज करके देखा है? मूली को लेकर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमें जरूर बताइएगा। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।